जिंदो रोड परवेज रहीम साहब परचम कुशाई का काम अंजाम देंगे, झंडा लहराया जाएगा। राष्ट्र सलूट सलामे सस्त। शुक्रिया अदा करते हैं और वाले हमें इस्तकबाल भी करते हैं। अब आपको यहाँ पे जो उनसे गुजारिश होगी वो डैश पे तशरीफ लाके अपने जरिए ख्याल करने दोनों की तरक्की के लिए गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल गवर्नमेंट की झांकी इरफान रिपाजी की आदत में एक ही जिस्म के मानन हम के साल चलते हुए उनका एक आज यहाँ पे मेरिटोरियस अवार्ड के लिए बुलाया गया है। और बाकी सरकारी गैर सरकारी इदारों से वाबस्तगी को पूरी कोशिश बनाने वाले मुख्य स्कूल से आए हुए तलबा और तालिबात आप सबको मेरी तरफ से ही आज़ादी की 78वीं तकरीब की बहुत बहुत मुबारकबाद। मुझे खुशी है आज हम सब यहाँ अपने देश की 78वीं योम आज़ादी का जश्न मनाने के लिए जमा हुए हैं। हमारे लाखों जमात कुर्बानियों और आज़ादी पसंद रहनुमाओं जैसे महात्मा गांधी जी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, शहीद भगत सिंह वगैरह जिन्होंने आज़ादी हासिल करने के लिए जुद्दोजहद की नहीं बल्कि अपनी जान निछावर की और उनकी सारी काविशें रंगवाई। आखिरकार साम्राज्य ने दम तोड़ा और हम दुनिया के नक्शे पर एक अजीम सिक्योर मुल्क के तौर पर उभर आए। हम अपने मुल्क को 2047 तरक्की याफ्ता मुल्क के तौर पर उभरने के ख्वाब को शर्मिंदा काबिल करने पर मुलज़म है। ड्यूरो में अवामी मफादात को मद्देनजर रखते हुए अपने मार्जित इदारों की सलाहियत मुख्तलिफ मसाइल का हल यकीनी बनाने की कोशिशों में लगातार रहता हूँ। सिक्योरिटी फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस के अलावा मुख्तलिफ महकमात की जानिब से मिलजुल कर सब ड्यूरो की तरक्की के लिए और इसको चार चांद लगाने की मौका मार मफाद आमा के लिए तकरीबन 50 से ज्यादा आमद सरमाया कराया।